हाय, देखिए मेरा मासूम फार्म है, किस तरह से कितना सारे मासूम एक साथ निकल गया है। देखिए, एक प्लूटोरस ऑस्ट्रेटस मासूम है, मतलब पीओ जिसको कहता है, ऑयस्टर का स्पीसीस है। तो मेरे पास दो तीन वैरायटी है प्लूटोरस ऑस्ट्रेटस, आप देख लीजिए। पहले इसको ब्लू ऑयस्टर भी कहते हैं बहुत सारे लोग। और आपको देखता हूँ प्लूटोरस फ्लोरिडा, मतलब पीएफ, जो व्हाइट ऑयस्टर का रहता है। देखिए बिल्कुल व्हाइट होता है, देखिए फ्लोरिडा है जो पीएफ मासूम का रहता है। देखिए कितना बड़ा साइज का निकल गया है, देखिए। और भी देखिए पीएफ है यहाँ पर, देखिए सारे सब व्हाइट ऑयस्टर है, प्लूटोरस फ्लोरिडा। देखिए पीएफ का फिनेट, देखिए बिल्कुल व्हाइट होता है। और जो पीओ कह रहा हूँ प्लूटोरस ऑस्टेटस, ये थोड़ा सा ब्लू होता है, इसका भी पीनेट है, देखिए थोड़ा सा ऊपर ब्लू होता है, ब्लू टाइप का होता है। ये पीओ है, प्लूटोरस ऑस्टेटस। देखिए यहाँ पर का बहुत सारी बेड है मेरा। देखिए मासूम निकल के आई है। ये ऑस्टेटस ही है, ब्लू ऑयस्टर, लेकिन व्हाइट ही होता है ज़्यादातर। पीनेट जब होता है तो ब्लू रहता है, लेकिन जब इसका मैच्योर हो जाता है मशरूम तो व्हाइट हो जाता है। इसका खासियत है इस मशरूम का, देखिए इस तरह से बेड को झुला कर रखना पड़ता है। टोटली इंडोर कल्टीवेशन है, फार्म का जैसा एक तैयार करके रखा हूँ मैंने। ऊपर शेड है, पटखटी के साइड पे भी शेड है, चारों तरफ शेड है। ये दो तीन खिड़की है जो ब्लैक पॉलिथीन से ढक रखा है मैंने। खिड़की रात में खोल देता हूँ क्योंकि फ्रेश एयर का ज़रूरत होता है, तो फ्रेश एयर देना पड़ता है। इधर भी खिड़की है एक, और इधर भी खिड़की है जो आमने सामने होता है, एक एक खिड़की। जब क्रॉस वेंटिलेशन का ज़रूरत होता है, जो एक तरफ से फ्रेश एयर आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, तो बिल्कुल आमने सामने दो खिड़की है जो फ्रेश एयर देते हैं रात में। देखिए फ्लोरिडा का और एक वैरायटी है, मेरे पास दो तीन वैरायटी है एक रूम में ही। मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ ऐसे। देखिए अलग एक वैरायटी है फ्लोरिडा का। यहाँ पर टेम्परेचर देख लीजिए आप 25 डिग्री टेम्परेचर है और 76% ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी 80% का ऊपर ही रहना चाहिए। अभी तो मैं पानी दूंगा तो वाटर जब स्प्रे करूंगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी 80% टू 90% रखना चाहिए। देखिए इस मशरूम के मैं निकलूंगा कैसे, ये फ्लोरिडा है, निकल गया। देखिए कितना बड़ा है, मासूम को कैसे निकलना पड़ता है। देखिए आप बस प्लग करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाने का पड़ता है क्लॉकवाइज। हाँ निकल गया, ये फ्लोरिडा है। देखिए आप करीब से, वो बिल्कुल व्हाइट होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है ऑयस्टर का। देखिए और भी निकालता हूँ, देखिए
आगे जाके मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा मशरूम कल्टिवेशन के मेथड के बारे में, पहले भी दिया था 2-3 वीडियो में, आगे जाके बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। तो आपको जानकारी का जरूरत होता है तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा के दीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मशरूम कल्टिवेशन का पूरा हेल्प मुझसे आपको मिलेगा, मैं पूरा हेल्प करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।